तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास लास्ट टॉपिक है डेमन थ्रेड। डेमन थ्रेड क्या होता है और डेमन थ्रेड किसे कहते हैं, डेमन थ्रेड कैसे यूज करना है, डेमन थ्रेड के साथ पॉसिबल केसेस क्या बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ओवरऑल ये डेमन थ्रेड एक थियोरेटिकल पार्ट है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि विद एग्जाम्पल आप लोग को समझा दूँ, ताकि एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो डेमन थ्रेड बेसिकली let me go to the definition part. Definition: threads that run in the background are known as a daemon thread. एक ऐसा thread, daemon thread उसे कहते हैं जो background में execute हो, background में run हो, उसे कहते हैं daemon thread. Background में run होने का मतलब क्या है वो अभी थोड़ी देर में हम example लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके daemon thread के कुछ example हैं, ये interview में पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे daemon thread हैं, कि नहीं दो या तीन daemon thread के नाम बताओ। तो यहाँ पे three daemon thread मैंने लेके रखे हैं: garbage collector, सिग्नल डिस्पैचर, अटैच लिसनर। ठीक है, ये सारे क्या है, डेमन थ्रेड है। पर्पस, डेमन थ्रेड का पर्पस क्या है, द मेन पर्पस ऑफ डेमन थ्रेड इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू नॉन डेमन थ्रेड लाइक द मेन थ्रेड। मेन थ्रेड बाय डिफॉल्ट अ नॉन डेमन थ्रेड, जो मेन थ्रेड है, मेन मेथड जो हम लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट नॉन डेमन थ्रेड है। ठीक है, तो डेमन थ्रेड का पर्पस क्या होता है, नॉन डेमन थ्रेड को, जो डेमन नहीं है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब सपोर्ट इन द एग्जांपल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे आपको रीड आउट करूं, तो आप देखोगे इफ द मेन थ्रेड रन स्लो ऑन मेमोरी, अगर मेन थ्रेड सपोज एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके पास मेमोरी खत्म हो गई है, अब कोई मेमोरी उसके पास बची नहीं है, तो JVM क्या करेगा, द JVM कैन कॉल द गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर क्या है, डेमन थ्रेड है। गार्बेज कलेक्टर एक डेमन थ्रेड है, तो JVM क्या करेगा, डेमन थ्रेड को कॉल कर लेगा, जो बैकग्राउंड में रन होगा, इफेक्ट नहीं करेगा, आपके सामने नहीं आएगा, कोई एग्जीक्यूशन आउटपुट के सामने नहीं आएगा, वो बैकग्राउंड में रन करके अपना काम करके चला जाएगा। ठीक है, एक शेडो में काम करना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर को कॉल करेगा। गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है कि यूजलेस ऑब्जेक्ट को क्लीन करना, डिस्ट्रॉय करना, ताकि स्पेसेस बन जाए, मेमोरी बन जाए। तो JVM क्या करेगा, डेमन थ्रेड गार्बेज कलेक्टर को कॉल करेगा। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, यूजलेस ऑब्जेक्ट को फ्री अप कर देगा, मेमोरी फ्री अप कर देगा, जिससे अलाउइंग द मेन थ्रेड टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकता है। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या है, डेमन थ्रेड है। डेमन थ्रेड का मतलब क्या होता है, जो बैकग्राउंड में रन करे। अब मेन थ्रेड रन हो रहा था, उसके पास मेमोरी खत्म हो गई, अब बिना रुके क्या किया JVM ने, क्या किया, बैकग्राउंड में ही गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर दिया। गार्बेज कलेक्टर बैकग्राउंड में ही, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा उसी टाइम पे ही, यहाँ पे इसने क्या किया, जो यूजलेस ऑब्जेक्ट है उसको फ्री अप कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय करके फ्री अप कर दिया मेमोरी को, जिससे क्या हुआ, मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखा। ठीक है, कोई इंटरप्शन के बिना। तो जो बैकग्राउंड में रन होते हैं उसे कहते हैं डेमन थ्रेड। इन द सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज द डेमन थ्रेड, अ थ्रेड विच इज रनिंग इन द बैकग्राउंड, विच रन इन द बैकग्राउंड, दैट इज नोन एज अ डेमन थ्रेड। ठीक है, प्रायोरिटी की अगर बात कर लेंगे, यूजली डेमन थ्रेड हैव लो प्रायोरिटी, बहुत लो प्रायोरिटी। हमने देखा है कि गार्बेज कलेक्टर की प्रायोरिटी हमेशा लो रहती है। ठीक है ना, हमने देखा है। तो यूजली डेमन थ्रेड हैव लो प्रायोरिटी, बट यू कैन एडजस्ट द प्रायोरिटी ऑफ द डेमन थ्रेड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, है ना। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेमन थ्रेड की प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी भी थ्रेड की हम प्रायोरिटी सेट करते हैं ना, उसी तरीके सेट मेथड की हेल्प से हम सेट करते हैं ना प्रायोरिटी, उसी हिसाब से हम अपनी जो है डेमन थ्रेड की भी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। ओके, हाउ टू चेक इफ अ थ्रेड इज डेमन और नॉट, तो उसके लिए एक मेथड है इज डेमन। यू कैन सी हियर इज डेमन, इज डेमन क्या करता है, किसी भी थ्रेड को ये बताता है कि वो थ्रेड डेमन है या नहीं है, और ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या ली गई है, बुलियन ली गई है। दिस मेथड इज डिफाइंड इन साइड द थ्रेड क्लास, ये थ्रेड क्लास के अंदर डिफाइन की गई है। ओके, ओके, हाउ टू सेट अ थ्रेड, मैं एक छोटा सा भी एग्जांपल लूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, फिलहाल अभी थ्योरी पार्ट में आपको समझा देता हूँ। हाउ टू सेट अ थ्रेड एज डेमन, हमें किसी थ्रेड को डेमन बनाना है तो कैसे बनाना है, उसके नेचर को चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट तो सारे थ्रेड अभी जो कलेक्टेड थ्रेड है, कुछ चुने हुए थ्रेड है, वही डेमन थ्रेड है ना, बाकी सारे नॉन डेमन थ्रेड में आते हैं। हमने जो थ्रेड बनाया नॉन डेमन थ्रेड में, बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड भी क्या है, नॉन डेमन थ्रेड है। तो लेकिन अगर हमें अपनी तरफ से किसी को बैकग्राउंड में बनाना है कि वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो, है ना, डेमन थ्रेड बनाना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है सेट डेमन, सेट डेमन, है ना। इसकी हेल्प से हम किसी भी थ्रेड को डेमन बना सकते हैं ना, डेमन थ्रेड बना सकते हैं। अब डेमन थ्रेड का नेचर क्या है कि वो बैकग्राउंड में रन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट,
यू कैन ओनली चेंज द डेमन नेचर बिफोर स्टार्टिंग द थ्रेड. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. मतलब आप किसी भी थ्रेड का नेचर तभी चेंज कर सकते हैं जब तक वो थ्रेड स्टार्ट ना हुआ हो. अगर वो थ्रेड स्टार्ट हो गया है फिर आप ट्राई कर रहे हो सेट डेमन मेथड यूज करके उस थ्रेड का नेचर चेंज करने के लिए, यानी उसे डेमन बनाने के लिए, तो आपको एक रन टाइम एक्सेप्शन देखने को मिलेगा. कौन सा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा? इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन. इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन है ना, ये देखने को मिलेगा. तो ये एक्सेप्शन भी आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एक्सेप्शन इस केस में देखने को मिलेगा. ये भी पॉइंट ऑफ व्यू बनता है किसी भी इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन बनता है पूछने के लिए. ओके, सो इंपॉर्टेंट नोट है समथिंग. द बाय डिफॉल्ट द मेन थ्रेड इज नॉन डेमन. मैंने बताया ना कि बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड क्या है? नॉन डेमन है. फॉर ऑल अदर थ्रेड्स द डेमन नेचर इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट. अब जो पेरेंट, बाकी जितने भी थ्रेड होते हैं, जितने भी थ्रेड होंगे, वो उनकी डेमन नेचर कैसे डिफाइन होगी? उनके पेरेंट से डिफाइन होगी. अगर वो उसका पेरेंट डेमन थ्रेड है तो वो थ्रेड भी क्या हो जाएगा? डेमन थ्रेड हो जाएगा. उसका पेरेंट नॉन डेमन थ्रेड है तो वो भी नॉन डेमन थ्रेड होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर गार्बेज कलेक्टर का कोई चाइल्ड क्लास होगा है ना, तो वो चाइल्ड थ्रेड होगा, तो चाइल्ड थ्रेड भी क्या होगा? डेमन थ्रेड होगा. बाकी मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड का अगर हम कोई चाइल्ड थ्रेड बनाते हैं तो क्या होगा? वो भी नॉन डेमन थ्रेड होगा. ठीक है, कोई थ्रेड हम बनाते हैं वो नॉन डेमन थ्रेड है, उसका कोई चाइल्ड थ्रेड बनाते हैं तो भी क्या होगा? नॉन डेमन थ्रेड होगा. क्लियर है? ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे जो डेमन थ्रेड को बताएगा, डेमन थ्रेड बिहेवियर, डेमन थ्रेड के बिहेवियर को बताएगा, और ये दिखाएगा कि अगर हम डेमन थ्रेड के स्टेटस को चेंज, नेचर को चेंज करना चाहते हैं आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ दैट थ्रेड. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा ना, यू कैन ओनली चेंज द डेमन नेचर बिफोर स्टार्टिंग द थ्रेड. थ्रेड को स्टार्ट करने से पहले ही आपको नेचर चेंज करना है. और नेचर चेंज करने का तरीका क्या है? सेट डेमन, पब्लिक वाइड सेट डेमन. इसके अंदर हम बुलियन बी, यानी कि कोई वैल्यू देंगे, बुलियन ट्रू, बुलियन फॉल्स, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, इस तरीके की हम कोई वैल्यू देंगे. तो इस तरीके का हम एक अभी एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेमन बिहेवियर कैसे काम करता है, और हम जब इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कैसे हमें इफेक्ट करता है, कैसे इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन देखने को मिलता है, इलीगल थ्रेड स्टेट देखने को मिलता है, थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन. अब हम इसे खोल लेते हैं अपने प्रीवियस कोड, या प्रीवियस वन है, इसे रिमूव करते हैं. सिंपली हमें पे क्लास बनाते हैं माई थ्रेड करके, एक क्लास बनाते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं थ्रेड क्लास से. सिंपल है. नाउ रन करते हैं पब्लिक void, रन को ओवरराइड करते हैं पब्लिक void रन, एंड इसके अंदर आ जाते हैं. सिंपल है. नाउ कोई भी स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, पहले फॉर लूप लगा लेते हैं, टास्क दे देते हैं int i is equal to 0 and i is less than 10 and i plus plus something, and then here एक स्टेटमेंट देते हैं solve. Child thread, something thread one. ओके, नाउ एक क्लास टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट, इसके अंदर एक मेन मेथड लेते हैं एंड इसके अंदर माय थ्रेड का एक इंस्टांस बनाते हैं, माय थ्रेड थ्रेड वन न्यू माय थ्रेड. ओके, नाउ इफ वी चेक लाइक हियर, how many threads are here until now? Only one thread na, main thread. सिर्फ main thread अभी. अभी ये वाला thread dead state में है, अभी कोई thread create नहीं हुआ. तो अगर हम यहाँ पे main thread की अगर nature change check करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे check करेंगे thread dot current thread dot is daemon. daemon. ठीक, तो हमें क्या output मिलेगा? False मिलेगा, है ना? क्या इस डेमन क्या दिखा रहा है? फॉल्स रिटर्न करेगा. क्यों? क्योंकि मेन थ्रेड बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉन डेमन होता है, नॉन डेमन होता है. जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, क्या मिला हमें? फॉल्स मिला. क्या मिला? फॉल्स मिला. क्यों? क्योंकि मेन थ्रेड बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉन डेमन होता है. ओके ओके, अब हम क्या करते हैं यहां पे थ्रेड वन को डेड स्टेट से एक्टिव करते हैं, स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फिर से ये स्टेटमेंट कॉपी करते हैं और
यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ पेस्ट करते हैं और इसकी जगह पे हम रख देंगे थ्रेड वन। थ्रेड वन इज डेमन और नॉट, क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि इसका पैरेंट भी क्या है? नॉन डेमन थ्रेड है। ठीक है, सो इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, क्या आया? फॉल्स आया, है ना, फॉल्स आया। ठीक है, तो अभी हम इसे सेट कर, इसका डेमन जो है, मैंने क्या बोला था कि अगर आपको किसी भी थ्रेड का नेचर चेंज करना है ना, उसे डेमन बनाना है या डेमन डेमन बनाना है, उसे आपके डेमन से हटाना है, तो उसके लिए हमें उस थ्रेड के स्टार्ट होने से पहले करना होगा, है ना। तो मैं अगर चाहता हूँ कि इसका जो है नेचर चेंज हो जाए, सेट सॉरी थ्रेड वन डॉट सेट डेमन, सेट डेमन, अब मैंने इसे ट्रू कर दिया, अभी क्या बन गया ये, अभी ये बन गया, अभी थ्रेड वन क्या बन गया, एक डेमन थ्रेड बन गया। अभी यहां पे क्या आउटपुट आना चाहिए, एक्सपेक्टेड ट्रू आना चाहिए, है ना, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, आउटपुट क्या आया, ट्रू आया ना, आउटपुट क्या आया, ट्रू आया। हमने यहाँ पे डेमन का, हमने यहाँ पे थ्रेड का नेचर चेंज किया, लेकिन कंडीशन क्या थी कि थ्रेड के स्टार्ट होने के पहले हमें करनी है। तो हम अगर क्या करें, थ्रेड के स्टार्ट होने के बाद अगर करेंगे तो हमें क्या रन टाइम एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, लेट मी शो यू, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, क्या देखने में, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, इलीगल स्टेट थ्रेड स्टेट, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, ये देखने मिलेगा। तो ये हमारी एक कंडीशन है, ये बिहेवियर है हमारे थ्रेड डेमन का। ठीक है, डेमन थ्रेड बिहेवियर एंड एरर व्हाइल व्हेन चेंजिंग द डेमन स्टेट आफ्टर द स्टार्ट, हमें जब भी डेमन थ्रेड का, किसी भी थ्रेड का अगर हमें नेचर चेंज करना है तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ दैट थ्रेड हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट। ओके, सो अनदर एग्जांपल आई विल टेक डेमन, विच विल डेमोन्स्ट्रेट डेमन थ्रेड एग्जीक्यूशन, डेमन थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है वो चीज देखेंगे, कैसे हम किसी को अगर डेमन थ्रेड बनाते हैं तो डेमन थ्रेड बैकग्राउंड में कैसे एग्जीक्यूट होता है वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, या ओके गॉट इट। सो इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी डू इज वी डू दैट्स इट, सेट डेमन थ्रू and here we print some statement end of main thread, end of main thread. Now here daemon thread is running in background. हमने इस थ्रेड को, हमने इस थ्रेड वन किसका इंस्टांस है, माई थ्रेड, इस थ्रेड को हमने क्या बना दिया, एक डेमन थ्रेड यहाँ पे बना दिया। अब डेमन थ्रेड का नेचर क्या है, डेमन थ्रेड का नेचर है कि वो बैकग्राउंड में रन करेगा। ठीक है, बैकग्राउंड में रन करेगा। मेन थ्रेड क्या है, मेन थ्रेड नॉन डेमन थ्रेड है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट नॉन थ्रेड, नॉन डेमन थ्रेड होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब जो डेमन थ्रेड होते हैं वो बैकग्राउंड में रन करेगा, रन नहीं करेगा, ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये JVM पे डिपेंड कर रहा है। JVM चाहेगा तो उसे एग्जीक्यूट करने देगा, JVM चाहेगा उसे टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आई विल शो यू, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, here you can see end of main thread print हुआ, फिर उसके बाद डेमन थ्रेड को शॉर्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होने का टाइम मिला। हमने यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे तो 10 टाइम हमने इसको प्रिंट करने के लिए रखा था, लेकिन प्रिंट कितनी बार हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार प्रिंट हुआ। मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट करूंगा और लेट्स सी सेम आउटपुट,
मे बी समटाइम डिफरेंट वी कैन गेट या हियर वी कैन सी कि यहाँ पे मेन पहले मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करने का मौका मिला, फिर जो डेमन थ्रेड है उसको सिर्फ और सिर्फ 4 बार मौका मिला एग्जीक्यूट होने का, फिर बाद में JVM ने इसको टर्मिनेट कर दिया। ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है और जो बैकग्राउंड में रन होती है उसकी प्रायोरिटी बहुत लो होती है, उसकी प्रायोरिटी बहुत लो होती है। JVM जब चाहे तब उसको जो है टर्मिनेट कर देगा, जब तक उसकी जरूरत थी तब तक उसको रखा और नहीं तो उसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, आई शो यू अगेन, मे बी समटाइम वी कैन गेट डेमन थ्रेड फर्स्ट, मे बी और लक। हियर यू कैन सी 2 टाइम ओनली डेमन थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड, rest of time it get terminated from the JVM only. See, okay, so this is unpredictable output. Why it is getting terminated? Because it is a daemon thread and daemon thread has a low priority and JVM can terminate them, right? So this is the way we can set the daemon, we can make the daemon. Daemon thread means running in background, a thread which is running in the background is nothing but the daemon thread. Okay, kisi 3 thread ke naam batao aap jo daemon thread hai, garbage collector and one more was signal dispatcher, attach listener. Okay, ye 3 hai, aap google karke aur bhi daemon thread aap dekh sakte ho, java mein kitne aur bhi daemon thread hai. Okay, so the main thread is non-daemon by default and you cannot change its daemon nature after it is start, which leads to illegal thread state exception. An example 2, since the child thread is set as daemon, it will run in background while the main thread finishes its execution. The JVM may terminate the daemon thread and the output can vary. Okay, jaise hi thread execution complete karega, मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, वैसे ही JVM चाहे तो डेमन थ्रेड को टर्मिनेट कर सकता है, बिकॉज अब कोई नीड नहीं है उसकी, वो बैकग्राउंड में रन हो रहा था, वो नहीं तो उसे। ठीक है, ओके, द कंक्लूजन इज डेमन थ्रेड आर यूजफुल फॉर बैकग्राउंड सर्विसेज सच एज गार्बेज कलेक्शन एंड अदर लो प्रायोरिटी टास्क। ठीक है, डेमन थ्रेड कैन बी सेट यूजिंग सेट डेमन एंड बुलियन वैल्यू समथिंग एंड चेक यूजिंग इज डेमन। Changing a thread daemon status after it has started will throw an illegal thread state exception. ये कुछ important points थे जो notice करना था आप लोगों को। Okay, so hope so multi-threading के concept आपके clear हो। इसमें जो भी doubt हो, starting to end हमने जितना भी start किया था start करने से अब तक जो है यहाँ पे हमने इसे finish किया, अब तक जो भी doubt होगा आप पूछ सकते हो, हम उसको एक separate video में discuss कर सकते हैं। आई गेस यहाँ पे कुछ चीजें मिस हो रही हैं, मल्टी थ्रेडिंग इनहेंसमेंट मिस हो रहा है। मल्टी थ्रेडिंग इनहेंसमेंट हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, है ना, अभी हम कुछ और टॉपिक यहाँ पे इसके बाद स्टार्ट करेंगे। आई गेस कलेक्शंस या जेनरिक हम स्टार्ट करेंगे, वी विल सी कि क्या इसके बाद प्रायोरिटाइज देना चाहिए, ऑर्डर में क्या रखना चाहिए। और ओवरऑल आपको अगर जावा अच्छे से सीखनी है तो आप प्लीज मेरे सारे वीडियो स्टार्टिंग टू एंड इन ऑर्डर देखिए, हमने जिस ऑर्डर में अपलोड करें आप उसी ऑर्डर में सारे वीडियो देखें, हमने हर वीडियो के आगे नंबर रखा है कौन सा लेक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट।